अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मातृ शक्तियों का सम्मान हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र धारताल में नाबार्ड द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं का विशेष रूप से सम्मान किया गया। विजयनगर स्थित महर्षि विद्या मंदिर में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों ने भी इसमें हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इस शुभ अवसर पर मैं सभी महिलाओं से ये संकल्प लेने को कहूँगी कि हमें अपनी बच्चियों को, बेटियों को उच्च से उच्च शिक्षा दिलानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है और शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है उनके आत्मनिर्भर होने का, और जिससे वो अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को भी आत्मनिर्भर बना सकें। इसी प्रयास में हमारे महर्षि विद्या मंदिर विजयनगर के सभी शिक्षकों ने आज ये पूरा कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें उन्होंने हमारी महिला जो पेरेंट्स हैं और उसमें कई समाज सेवी हैं, और हमने बाहरी महिलाओं को भी इसमें आमंत्रित किया है, जिसमें उनके लिए छोटे छोटे गेम्स रखे गए हैं। अभिभावकों, खासकर छात्र छात्राओं की माताओं के लिए कई तरह के गेम्स का आयोजन भी हुआ, जिसमें सबने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और पूरा दिन मातृ शक्ति को समर्पित रहा। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इसके लिए 47,217 बकायादारों को नोटिस जारी किए गए हैं। बकायादारों पर करीब 122 करोड़ रुपए बकाया है। बकायादारों को 24 करोड़ रुपए अधिभार छूट का लाभ मिल सकता है। 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम में भी होगा। इसके लिए नगर निगम के राजस्व विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। बकायादारों को नोटिस जारी किए गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिभार में छूट का प्रावधान रहता है, जिसका लाभ टैक्स जमा करने वालों को मिल सकता है। अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि 5-6 हजार बकायादार इस अवसर पर लाभ उठाकर टैक्स जमा कर सकते हैं। नगर निगम के खजाने में 5-6 करोड़ रुपए जमा होने की उम्मीद है। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रखे जाएंगे, ताकि करदाता आसानी से टैक्स जमा कर सके। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को जनता की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जन समस्या शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने लोगों की शिकायतों को सुना और मौके पर ही शिकायत के निराकरण का प्रयास किया। प्रदेश के नए पुलिस मुखिया डीजीपी सुधीर सक्सेना के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को जन शिकायत समस्या निवारण शिविर लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से डीआईजी स्तर के अधिकारी से लेकर थाना प्रभारी स्तर के अधिकारियों ने आम जनता की समस्याओं को सुना और शिकायतों का मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया। शिकायत निवारण शिविर में बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी समस्याओं को रखा। इन शिकायतों का मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया गया। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक जन सुनवाई शिकायत निवारण कैंप जो है लगाया गया, जिससे पूर्व भी लगे हुए पर लगाया गया, समय समय पर लगाते हैं। इसमें अभी तक जो एप्लीकेंट्स हैं और कई तरह से जो शिकायतें हैं वो करीब 80 करीब अभी तक आई है, और सभी का निकाल जो है त्वरित किया जा रहा है। अमूमन जो शिकायतें हैं वो आपसी पैसे के लेन देन, जमीन संबंधी, भूमि संबंधी विवाद या पारिवारिक झगड़ा। शिविर में शहर के सभी थानों के थाना प्रभारी भी मौजूद थे, ताकि आवेदकों की शिकायतों पर पुलिस तुरंत संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करे और उन्हें राहत मिल सके। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 32 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा, भवन शाखा और राजस्व विभाग से संबंधित रहीं। अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी ने जनता का दुख दर्द सुनते हुए उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में इस सप्ताह कुल 32 शिकायतें आईं। जनता दरबार में आई एक महिला ने बताया कि ललपुर रोड पर नगर निगम की जमीन पर लगाया गया सांची मिल्क पार्लर को कुछ लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना दुख बताते हुए महिला रो पड़ी। मैंने सांची का पार्लर लिया, 1.5 लाख रुपए मेरे जेवर गिरवी रखे है, ब्याज पे पैसा लेके मैंने सांची पार्लर लिया, और उसके 15 दिन बाद ही, अलॉटमेंट के 15 दिन बाद ही नरेश विश्वानी जी है, उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया कि शिकायत सहित कुल 32 शिकायतें जनता दरबार में पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। कुशवाहा समाज द्वारा अपने पूर्वजों का इतिहास सजातीय बंधुओं को बताने का देशव्यापी प्रयास हो रहा है। इसी कड़ी में कुशवाहा समाज की एक बैठक विजयनगर में आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष रूप से मौजूद रहे।
अखिल भारतीय कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय नेताओं का आगमन जबलपुर में हुआ। इस अवसर पर विजयनगर में एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें राष्ट्रीय नेताओं का सम्मान किया गया। बैठक में कुशवाहा समाज के लिए किए जा रहे जन जागरण अभियान पर विचार विमर्श किया गया। जबलपुर में डॉक्टर किशन जी कुशवाहा जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हमारा एक पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कुशवाहा समाज को जागृत करने के लिए। हम हर एक शहर में जा जाकर हमारे समाज को, समाज के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए हम उनको जागरूक कर रहे हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि कुशवाहा समाज की नई पीढ़ी को पूर्वजों का इतिहास बताया जा रहा है ताकि उन्हें अपने समाज की विशेषताओं की जानकारी मिल सके। गोल बाजार क्षेत्र में रहने वाले एक बुजुर्ग ने रागा फाइनेंस कंपनी के संचालक राम असरानी के विरुद्ध धोखाधड़ी करने की शिकायत एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से की है। मामला 40 लाख रुपए के शेयर इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। गोरा बाजार क्षेत्र में रहने वाले ट्रेवल्स एजेंसी के संचालक महेंद्र चौधरी ने रागा फाइनेंस के संचालक के विरुद्ध 40 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को लिखित शिकायत दी है। मामला शेयर इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। आवेदक महेंद्र चौधरी ने बताया कि रागा ट्रेडिंग कंपनी में उनके 40 लाख रुपए के शेयर थे, लेकिन उनके बिना किसी इजाजत के शेयर को बेचकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। इस मामले की शिकायत उनके द्वारा ओमती थाने में भी दर्ज की गई थी। रागा ट्रेडिंग में मेरे करीब 40 लाख के शेयर रखे हुए थे। उनके डीमैट अकाउंट सिक्योरिटी के नाम से जो उनकी कंपनी है उसमें डीमैट अकाउंट में मेरे 40 लाख के शेयर रखे हुए थे, जो जिनका कि मेरे को बोनस TCS की तरफ से आता था। लास्ट ईयर TCS की तरफ से बोनस नहीं आया, तब मैंने जानकारी प्राप्त की तो उसके CDSL से जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने मेरे को लिखित में भेजा कि आपके शेयर बेच दिए गए हैं और इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र करके उस कंपनी को बेच दिया गया। इस तरीके से उन्होंने मेरे करीब 40 लाख के शेयर जालसाजी करके मेरी बिना इजाज़त बिना हस्ताक्षर के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने शिकायतकर्ता का आवेदन और आरोपों की जांच का जिम्मा CSP ओमती को सौंपा है। वो कुछ इस तरह की शिकायत थी कि शेयर का जो इन्वेस्टमेंट था उसका जो पैसा था जो अनावेदक थी उसमें कहीं और इन्वेस्ट करके उसमें धोखाधड़ी की, तो ये एक और शिकायत अभी दी है, उसकी जाँच CSP ओमती को दी गई है। और ये शेयर और डिवेंचर और डीमैट अकाउंट से रिलेटेड शिकायत है कि और कि उसका मिसयूज हुआ है, इसकी जांच CSP साहब करके इसके हम निगरानी कार्रवाई करें। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा का कहना है कि शिकायत की जांच के बाद मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी। विनोबा भावे विद्युत उपकेंद्र में बीते दिनों करंट की चपेट में आने से एक आउटसोर्स कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मामले में जांच के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने MPEB के जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार के विरुद्ध धारा 304A का मामला पंजीबद्ध किया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विनोबा भावे विद्युत उपकेंद्र में कार्य करते समय करंट की चपेट में आ जाने के बाद एक कर्मचारी प्रकाश पासी की मौत हो गई थी, जबकि उनका साथी घायल हो गया था। इस मामले में जांच करते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस ने MPEB के जूनियर इंजीनियर अर्जुन साहू और ठेकेदार नितिन कुमार नेमा के विरुद्ध धारा 304A का मामला पंजीबद्ध किया है। दोनों बिजली कार्य में संपूर्ण संसाधन उपलब्ध न कराते हुए श्रमिकों से जोखिम भरा काम करवा रहे थे। इस दौरान श्रमिकों को करंट लगा था और एक श्रमिक प्रकाश पासी की मौत हो गई थी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।